काश काश ये टूल मुझे उस वक्त पता होते जब मैंने फिल्म मेकिंग स्टार्ट करी थी, क्योंकि अगर ये टूल्स मुझे उस वक्त पता होते तो शायद मैं आज और भी बेहतर काम कर रहा होता। क्योंकि शुरुआत में हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम सीखे कहाँ से, हम सीखने के बाद अप्लाई कहाँ पे करें, और अगर हमने अप्लाई कर दिया तो उसको दुनिया के सामने कैसे दिखाएं, हमें सिर्फ YouTube दिखता है। तो आज मैं इन 5 कैटेगरीज के अंदर ऑलमोस्ट 7 से 8 ऐसी वेबसाइट्स आपको बताने वाला हूँ जो बिल्कुल फ्री है, और उसकी मदद से आप एक बेहतर फिल्म मेकर, बेहतर सिनेमेटोग्राफर, बेहतर एडिटर बन सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले बता दो दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दूसरी बात, अगर आपको इन टूल्स के अलावा, इन वेबसाइट्स के अलावा भी कुछ फ्री वेबसाइट्स अगर आपको पता है तो मेक श्योर आप उनको कमेंट में जरूर लिखें, या अगर ज़्यादा वेबसाइट्स हो गई तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, एक नेक्स्ट सीरीज बना दूंगा जिसके अंदर और भी फ्री टूल्स के बारे में बता दूंगा, ताकि और लोगों की हेल्प हो पाए, या फिर हो सकता है कमेंट से ही कुछ लोगों की हेल्प हो जाए। लेट्स बिगिन। तो जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है लर्निंग। अब देखो, हमने फिल्म मेकर बनने का डिसाइड किया, हमने सोचा है कि हम बनेंगे, बट सीखे कहाँ से? तो सीखने के लिए मेरे पास कुछ फ्री वेबसाइट्स हैं, जिनमें से पहली एक वेबसाइट भी है और एक यूट्यूब चैनल है, फिल्म राइट करके एक यूट्यूब चैनल है जिनकी वेबसाइट्स पे है। उस वेबसाइट के ऊपर आपको हज़ारों ब्लॉग्स मिलते हैं जिसके अंदर आप सीख सकते हो कैसे फिल्म मेकिंग में शूट किया जाता है, कैसे कैमरे को यूज़ किया जाता है, सिनेमा कैसे काम करता है, और उनका यूट्यूब चैनल भी है स्पेसिफिकली जो सिर्फ आपको फिल्म मेकिंग ही सिखाता है। साथ में इसके अलावा भी अगर आपको देखना है तो नो फिल्म स्कूल है, जो बिल्कुल फ्री आपके लिए, ऑलमोस्ट फ्री मतलब आपको आर्टिकल्स देती है जिनको पढ़ के जिनसे आप सीख सकते हो। देखो, हर चीज़ यूट्यूब पे मत ढूंढो। ये जो नो फिल्म स्कूल जैसी वेबसाइट्स है ना, ये प्रॉपर कंटेंट प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफर्स, प्रोफेशनल डायरेक्टर्स का कंटेंट मिलता है। तो सिर्फ YouTube पे नहीं, इन व्लॉग्स पे भी डिपेंड हो। एंड तीसरी वेबसाइट है इसके लिए फिल्म मेकर्स IQ, इसके ऊपर भी हजारों ब्लॉग्स हैं, तो इनको पढ़ो, समझो, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना ताकि बाकी लोग भी इन वेबसाइट्स पे ज्यादा जाएं। एक चीज बता दोस्तों कि कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, कोई भी यूट्यूब चैनल या कोई भी व्लॉग वेबसाइट, कोई भी स्पॉन्सर नहीं है इस वीडियो के अंदर। तो ये मत सोचना कि मैं किसी चीज का स्पॉन्सर्ड हूँ इसलिए उनकी तारीफ कर रहा हूँ, ये सब मेरा जेन्युइन होगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब जो सेकंड कैटेगरी है वो है इंस्पिरेशन। देखो, आपने नॉलेज ले लिया, पर नॉलेज से काम नहीं होता, अब आपको इंस्पिरेशन भी चाहिए कि यार किसी ने पहले कुछ ऐसा किया था तो मैं अब उसको कैसे, उसको ग्रैब करके उस चीज़ से सीख के मैं और बेहतर कैसे करूं। क्योंकि आपने पहले थ्योरेटिकल नॉलेज लिया, अब प्रैक्टिकल किसी ने अगर किसी मूवी के अंदर वो चीज़ काम में ली है तो वो आप काम में ले सकते हो दो वेबसाइट्स की हेल्प। पहली है फिल्म ग्रेब एंड दूसरी है saw.cafe। अब बेसिकली इन पे क्या है, कोई भी मूवी है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं पैरासाइट मूवी है, तो पैरासाइट मूवी के अंदर जो भी फ्रेमिंग्स थी, जो भी ग्रेड उन्होंने किया था, जो भी स्टिल्स हैं उनकी, वो आपको मिलेंगी इन वेबसाइट्स पे। उन स्टिल्स को देख के आप समझ सकते हो कि यार इन्होंने क्या शॉट डिजाइन किया है, अगर बंदा डरा हुआ है तो उसने कैसा शॉट रखा है, कलर ग्रेडिंग कैसी है, इंडोर कलर ग्रेडिंग कैसी है, आउटडोर कलर ग्रेडिंग कैसी है। और इन सब से आप इंस्पिरेशन लेके, अगर मान लो आपको कोई पैरासाइट मूवी जैसा कंसेप्ट है आपका, तो आप इनसे इंस्पिरेशन लेके वो सेम चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। देखो, स्टार्ट में आपको इंस्पिरेशन और कॉपी करके ही सीखना होता है, उसके बाद में जब आप धीरे धीरे डेवलप होते हो तो आप खुद का कुछ जनरेट करते हो। हालांकि मेरा ये मानना है कि दुनिया में खुद का कुछ भी नहीं है, हम सब किसी ना किसी से कुछ उठा के उसको अपने तोड़ मोड़ तरीके से पेश करते हैं दुनिया के सामने। सो ये दो वेबसाइट है, फिल्म ग्रेब एंड saw.cafe, इनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो और अपने काम को और बेहतर कर सकते हो। अब आती है तीसरी कैटेगरी, अब वो है शॉर्ट डिजाइन थ्रू AI। अब देखो, आपने पहले नॉलेज लिया, सेकंड इंस्पिरेशन ली बाकी को देख के, अब आपको उन नॉलेज से और उस इंस्पिरेशन को मिला के खुद का कुछ बनाना है, पर सीधा आप कैमरा उठा के चले जाओगे शूट करने तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आज के टाइम पे हमें ये करने की जरूरत नहीं है कि हम सीधा जाएं और जाते ही हम शूट करने लग जाएं। तो उसके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन मैं ये बताऊंगा कि पहले आप AI के थ्रू अपना जो भी सेट आपके दिमाग में है, उस सेट को AI के थ्रू जनरेट करके देख लो। आपको मोटा मोटा आइडिया भी लग जाएगा, साथ में AI भी कुछ आपकी हेल्प कर देगी उस चीज़ को और बेहतर करने में। इसके लिए दो वेबसाइट्स है जो बिल्कुल फ्री है ऑलमोस्ट, एक है Leonardo AI एंड सेकेंड है Bing इमेज क्रिएटर। देखो, Leonardo AI थोड़ा ज़्यादा बेहतर मानता हूँ मैं इस मामले में, बट Bing इमेज क्रिएटर वो है, वो बिल्कुल फ्री है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स है जो आपको फ्री में कुछ टाइम के लिए जनरेट करके दे सकती है, आप गूगल कर सकते हो। जैसे एक वेबसाइट है DecoHear, बेसिकली DecoHear एक रियल टाइम इमेज जनरेशन टूल है जो आपको इमेज को जनरेट करके दे सकता है। इसके अलावा एक वेबसाइट है मैजिक स्टूडियो करके, उसमें फ्री में कम आपके पास टूल्स हैं, बट उसका पेड सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ता है, 2400 रुपये में ऑलमोस्ट वो आपको एक साल का सब्सक्रिप्शन दे देता है और उसमें अनलिमिटेड जनरेशन है। तो अगर पेड वर्जन सही लगता है तो मैजिक स्टूडियो बेस्ट लग रहा है मुझे उसके लिए, क्योंकि वो एक लो बजट में काम कर रहा है। तो इनके थ्रू आप अपना शॉर्ट, जो भी आपके दिमाग में, जो भी आपने नॉलेज लिया, जो भी आपने इंस्पिरेशन ली, आप उस दोनों को मिला के जो आप बनाना चाह रहे हो वो बना के उसको AI के थ्रू बनाओ। अब उससे आप अपना शॉर्ट डिजाइन हो गया है आपका, अब आप उसको जाके शूट कर सकते हो। ये एक सही अप्रोच होगी, पहले AI का ऑप्शन नहीं था बट अभी ऑप्शन है, तो
मेक श्योर उसको यूज में जरूर लो आप। साथ में इस इमेज जनरेशन के अलावा आप ChatGPT जैसे टूल को काम में ले सकते हो आपकी स्क्रिप्ट को और बेहतर करने में। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि यार ये इतना बेहतर तरीके से वर्क नहीं कर रही है फॉर मी, क्योंकि वो एक इंसान जैसा जवाब दे ही नहीं रही है। वो कुछ आज ही मुझे ऐसा लग रहा है उनसे बात करके कि रोबोट ही है। बट फिर भी अगर आपके लिए हेल्प हो तो आप उसको काम में ले सकते हो। अब बात करते हैं चौथे टूल की। आपने नॉलेज ले लिया, आपने इंस्पिरेशन ले ली, अब आपने खुद का डिज़ाइन भी कर लिया, अब हो सकता है आपने शूट कर लिया। अब देखो शूट कैसे करना है वो करना वो एक अलग टॉपिक है। अब चौथी कैटेगरी के बारे में आते हैं, वो है फ्री रिसोर्सेज। आपने खुद को शूट कर लिया बट कुछ आपके लिए बच गया, तो फ्री रिसोर्सेज जैसे म्यूजिक है, स्टॉक फुटेज है, स्टॉक इमेजेस आपको कहाँ से लेनी है, तो उसके लिए देखो कुछ टूल्स है। जैसे मिक्सिट करके एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको ऑडियो म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स मिल सकते हैं। पिक्साबे है जिसपे इमेज एंड वीडियो मिल सकते हैं। उसके अलावा पेक्सल्स है। ऐसी और भी कई वेबसाइट्स हैं फ्री में जिन पे आप अपना जो स्टॉक इमेजेस हैं वो ले सकते हो। हालांकि अगर आपने AI का सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो आई डोंट थिंक कि आपको किसी भी स्टॉक वेबसाइट की आज के टाइम पे जरूरत पड़ने वाली है, इमेजेस के लिए तो बिल्कुल नहीं। और बाकी म्यूजिक वगैरह आप इनसे फ्री बना सकते हो। देखो आपको मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारे AI टूल आ रहे हैं जो मार्केट में म्यूजिक वगैरह बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, बट उनमें से कोई भी मुझे इतना अच्छा भी लग नहीं रहा है। और दूसरी बात यह है कि वो फ्री में जितना ऑफर दे रहे हैं ना वो उतना सफिशियंट ऑफर नहीं है। तो अगर पेड खरीदने की इच्छा है तो कभी बताना, कमेंट करना, तो मैं एक पेड टूल का अलग से वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर सारे टूल्स पेड होंगे बट वो बेस्ट टूल्स होंगे। ठीक है, अभी बेस्ट नहीं है बट फ्री के अंदर यही बेस्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवी कैटेगरी की। आपने लर्निंग ले ली, आपने इंस्पिरेशन ले ली, आपने स्टोर डिजाइन कर लिया, आपने म्यूजिक वगैरह अपना ले लिया पिक्साबे से या मिक्सिट से। अब उसके बाद में आते हैं, आपने सब कुछ करके कंटेंट बना लिया, अब उस बनाने के बाद में आप उस चीज को दुनिया के सामने कैसे लेके जाओगे। उसके लिए जो मुझे नहीं लगता कि कोई इंटरनेट पे बात भी करता है कि हम हमारे बनाए हुए कंटेंट को, हमारी फिल्मों को, हमारे म्यूजिक वीडियोस को, हमारे कुछ भी फीचर फिल्म्स को कैसे दुनिया के सामने लेके जाएं। तो फिल्म सबमिशन के लिए सबसे बेस्ट है वो है फिल्म फ्रीवे। इसके ऊपर आप पेड भी कुछ कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं और कुछ फ्री भी हैं। साथ में आप अपनी कंट्री के हिसाब से या अपने स्टेट के हिसाब से भी देख सकते हो। और इसके अंदर बहुत सारे जो फेस्टिवल्स हैं वो चलते रहते हैं, फिल्म फेस्टिवल्स हैं, जिनके अंदर आप अपनी फिल्म को, अपने म्यूजिक वीडियो या शॉर्ट फिल्म या स्क्रिप्टिंग को किसी को भी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से नॉमिनेट करवा सकते हो। और आप अगर आपने अच्छा काम किया तो आप अवार्ड जीत सकते हो। अब देखो अवार्ड जीतने से कोई बहुत ज़्यादा पैसा आपको नहीं मिलेगा। आप ये सोच रहे होंगे कि यार YouTube पे डाल देता हूँ, तो उस YouTube पे तो उसको बाद में भी डाल सकते हो। आप YouTube पे वीडियो डालोगे उससे पहले अवार्ड्स दिखाओगे कौन से अवार्ड्स को मिले हुए हैं। और आपको एज ए डायरेक्टर हो गया, फिर सिनेमेटोग्राफर हो गया, फिर राइटर हो गया, अगर आपको एक अवार्ड मिलता है तो उसके बाद में आपको काम मिलना ज़्यादा आसान होता है। तो मेक श्योर ये चीज़ें ट्राई करें कि पाँचों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, ये फ्री वाला जो कॉम्बिनेशन है ये बनाओ। क्योंकि मैं पहले पेड वाला बनाने की सोच रहा था, फिर मैंने सोचा कि यार अगर किसी ने स्टार्ट किया तो उसके लिए क्या। तो अगर आप ऐसे लोग हो जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया, जो ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे हो, तो मैं फिर एक ऐसा वीडियो बना सकता हूँ जो पेड टूल्स पे होगा। उसमें से सब बेस्ट टूल्स होंगे, कुछ महंगे होंगे, कुछ सस्ते होंगे, तो वो वीडियो मैं बना दूंगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ऐसे वीडियोज मैंने इंटरनेट पे बहुत कम देखे हैं, हिंदी में तो बिल्कुल नहीं देखे। तो मैंने ट्राई किया कि मैं अपने ऑडियंस के लिए नॉलेज वाला वीडियो लेके आऊँ। अगर आपको अच्छा लगा मेरी कोशिश तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जाएं आपको क्या अच्छा लगा और आपके पास ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आप और बेहतर फिल्म मेकर बन सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस डे।